नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं मदनलाल आजाद, संस्थापक संयोजक, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 9 जनवरी 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। आप सबको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के विषय में कुछ प्रक्रियात्मक कार्रवाई बताने के लिए कि आखिर आपने सबने अपने भुगतान के दावे करने कैसे हैं, और चूंकि जिन अधिकारियों को सक्षम अधिकारी अपॉइंट किया गया है बट्स एक्ट 2019 के तहत देश के प्रत्येक जिले में, उनको स्वयं नहीं पता कि करना क्या है, तो ये वीडियो उनके भी काम आएगा। आप जब समझ लेंगे तो आप इस बात को उन अधिकारियों को समझा सकते हैं जो अधिकारी ये कहते हैं कि जी इसमें करना क्या है, कैसे करना है, हमें पता नहीं है। तो आप इसको पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे, कई कई बार सुन लेंगे, ताकि आप तमाम साथी हमारे इस प्रक्रिया को ठीक से समझ सकें और अधिकारियों को समझा सकें, और जल्दी से जल्दी 180 दिन के अंतर्गत आप अपना, अपने तमाम निवेशकों का और उन आवेदकों का धन उन्हें ब्याज सहित 2 से 3 गुना तक वापस दिलवा सकें, जिनका भी पैसा किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है। दोस्तों इसके अलावा मैं आज एक और बहुत महत्वपूर्ण हाई कोर्ट के डिसीजन के विषय में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा रोज की तरह कि इतने उदासीन होने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम भले आदमियों, जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप पूरी प्रक्रिया समझ सको, और जब तक प्रक्रिया नहीं समझोगे तब तक आपका भुगतान नहीं होगा। बेवजह रात को दिन को कॉल मत किया करो। सुबह 9 से 10 बजे तक 1 घंटे कॉल करनी है, और शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, उसके बाद कोई कॉल मत किया करो। बेवजह आप स्वयं परेशान होते हो, मुझे परेशान करते हो। फोन कॉल करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा पूरा पूरा वीडियो सुन लेने से। एक वीडियो में समझ में नहीं आती है बात, 2-3 वीडियो सुन लो। मैं लगातार इन विषयों पर वीडियो बनाता रहता हूं, अगले पिछले तमाम वीडियो सुन लो, सूचनाओं के लिए, प्रक्रिया समझने के लिए, अपडेट प्राप्त करने के लिए। और आपको हर वीडियो तुरंत मिल सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं, ताकि तमाम लोगों को तनाव से मुक्ति मिले, उनका पैसा वापस मिले। अपने निवेशकों को भी जरूर सुनवाया करो, उनके मोबाइल पर खोल करके सुनवाया करो। इतना सा काम कर लो, इस काम में कोई पैसा नहीं लगता है, ये फ्री का काम है, बस बटन दबाना होता है। BF देखते रहते हो और दुनिया भर की चीजें देखते हो, काम की चीजें नहीं देखते हो। बस चाहते हो को फोन कर ले मदन लाल जी को या किसी को भी, और तुरंत पैसा मिल जाए। तुरंत पैसा नहीं मिलेगा किसी को भी, जब तक इस पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं करोगे। जल्दबाजी का शिकार होना छोड़ दो। देश के 20 करोड़ लोगों की जिंदगी तबाह हुई है, वो केवल इस वजह से हुई है कि वो तुरंत जल्दी जल्दी जो है करोड़पति बनना चाहते थे, अमीर बनना चाहते थे, गाड़ी घोड़ी बंगला लेना देना, दुनिया भर का ट्रिपटर खरीद लेना चाहते थे। ये नहीं हो सकता कभी भी। जल्दीबाजी करोगे तो लाभ नहीं होगा, निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। पूरा वीडियो भी नहीं सुन पाते हो 10-15-20 मिनट का भी, आपको तो 1-1 घंटे वाले वीडियो सुनने चाहिए, ताकि पूरी चीजें समझ सको, तनाव से मुक्त होकर के अपने पैसे को आसानी से प्राप्त कर सको। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून बट्स एक्ट 2019 हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक कानून है। इस कानून का प्रयोग करोगे तो ठग आपके कदमों में होंगे, आपके घर पैसा लेकर के आ जाएंगे, और नहीं लेकर के आएंगे तो जो सक्षम अधिकारी प्रत्येक जिले में सरकार ने बनाए हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी को क्रूक करके, नीलाम करके 180 दिन में आपका पैसा देंगे। और जो सरकार ने हर जिले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है बट्स एक्ट 2019 के तहत, वो ठगों को आजीवन कैद की सजा सुनाएगी, उनकी जिंदगी जेल में सड़ जाएगी, पड़े पड़े आखिरी सांसें उन्हें जेल के पीछे गुजारनी पड़ेंगी, चाहे वो सुब्रत राय सहारा हो, निर्मल सिंह भंगू हो, संजय भाटी हो, डेजी मैनन हो, वो गुर्दा चोर PPS सेठी हो, राशिद नसीम हो, राधे श्याम हो, या वो कौन सा तिवारी है VN तिवारी हो, चाहे वो मृत्युंजय सिंह हो, चाहे वो जीतू सिंह हो, चाहे कोई भी हो, प्रत्येक ठग की अंतिम सांसें दोस्तों जेल के सींकचों के पीछे गुजरेंगी,
और आपका भुगतान ठगों को फांसी हो जाने के बाद भी मिलेगा। इस चीज को लेकर के मत घबराया करो कि सब ठग जेल में चले जाएंगे, उन्हें फांसी हो जाएगी तो हमारा पैसा कैसे मिलेगा। आपके पैसे की व्यवस्था बट्स कानून में ये की गई है कि आपको आपके जिले में नियुक्त सक्षम अधिकारी डीएम आपका पैसा देगा, 180 दिन में देगा, वो भी कानून में साफ साफ लिखा है। इस चीज पर विश्वास किया करो। आज मैं प्रमाण सहित दिखाऊंगा, देख लेना, ये किताब खरीद लेना तमाम लोग। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 180 दिन में ट्रायल कंप्लीट होगा, आपका पैसा मिलेगा 2 से 3 गुना तक। पूरी प्रक्रिया को समझिए। तो सबसे पहले मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के विषय में आपको बता देता हूं। कर्नाटक में एक ठग कंपनी के खिलाफ पीआईडी एक्ट और बर्ड्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। तो जो ठग थे उस कंपनी को चलाने वाले, वो सीधे फास्ट ट्रैक कोर्ट ना जाके सीधे हाईकोर्ट चले गए कि साहब हमें अग्रिम जमानत दे दो। धारा कौन सी है? सीआरपीसी की धारा होती है 438-439, कि हमें ट्रायल कोर्ट से पुलिस से खतरा है, कहीं वो हमें अरेस्ट ना कर लें, हम ठग नहीं है, हमें बेल दे दो। तो हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया, उनकी याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना और कहा कि ये विशेष कानून है, ये पार्लियामेंट्री एक्ट है, इनमें हमें किसी को अग्रिम जमानत देने का कोई अधिकार नहीं है। आपको जमानत चाहिए तो ट्रायल कोर्ट जाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाइए, पहले वहां से जमानत लीजिए, लोगों का भुगतान कीजिए। और उनकी याचिकाएं खारिज कर दी। इस फैसले को हालांकि ठग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और हम सबका दायित्व बनता है कि अगर हम सजग और जागरूक रहे तो सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को बाईपास नहीं कर पाएगा, इसको कन्फर्म करेगा और तमाम ठगों की अंतिम सांसें जेल के सींखचों के पीछे गुजारने के लिए उन्हें विवश करेगा। वैसे तो दोस्तों आपका संगठन, आपकी जागरूकता इतनी तेजी से बढ़ रही है, 20 गुना रोजाना की दर से बढ़ रही है आपकी जागरूकता। और मैं समझता हूँ किसी कोर्ट की, किसी न्यायाधीश की, किसी सरकार की, किसी अधिकारी की अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बट्स एक्ट 2019 को बाईपास कर सके, इसके प्रावधानों का उल्लंघन कर सके या आपको बहका सके। अगर कोई आपको बहकाने का, भरमाने का प्रयास करता है, आपकी बात नहीं सुनता, तो वो केवल और केवल इसलिए चूंकि आप जागरूक नहीं है, हमारे वीडियो नहीं सुनते हैं। सुनिए इनको, हमारी सभाओं में आइए। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम 25 अगस्त से लेकर लगातार 23 मार्च 2023 तक आपको जगाने के लिए हमने आरंभ किया है। तमाम लोग सुनिए इसको, देखिए ये किताब है, दिख रही होगी, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, दिख रही है आपको? ये किताब खरीद लो तमाम साथी। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाए गए किसी भी कानून सहित समय के लिए लागू किसी भी अन्य कानून में निहित होने के बावजूद प्रभावी होंगे। अगर कोई स्टेट अलग से कोई कानून बना देता है उसके अलावा भी, तो भी इस कानून को वो बाईपास नहीं कर सकता। इसके प्रावधान हर राज्य में, हर जिले में, हर तहसील में, हर थाने में लागू होंगे। जो लोग ये कहते हैं जी हमको पता नहीं है, अधिकारी लोग, उनको बताया करो ठीक से। और हर जिले में एक सक्षम अधिकारी होगा, हर जिले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, उस सक्षम अधिकारी को असिस्ट करने के लिए दो दो सहायक सक्षम अधिकारी होंगे इसी कानून के तहत। इसलिए आप लोग अपने भुगतान का दावा, तमाम साथी जल्दी से जल्दी अपने अपने जिले के जिलाधिकारी, कलेक्टर, डीसी के यहाँ फाइल कीजिए, एडीएम के यहाँ फाइल कीजिए और उनसे कहिए हमारा पैसा दिलाइए, नहीं तो हम आपके खिलाफ मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, प्रधानमंत्री को, डीओपीटी को शिकायत भेजेंगे कि आप जो है कानून को बाईपास कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। और कानून का उल्लंघन करोगे तो निश्चित रूप से सजा मिलेगी ना। छोटे से भी कानून का उल्लंघन अगर कोई आम नागरिक कर देता है तो उसे दंडित किया जाता है ना, पुलिस पकड़ लेती है, जेल भेज देती है। तो ये भी एक कानून है और बहुत खतरनाक कानून है, पार्लियामेंट द्वारा सर्वसम्मति से बनाया गया कानून है। अगर इसका उल्लंघन शासन और न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति करेगा तो उसको तो डबल सजा मिलेगी, आजीवन कैद हो जाएगी इसको। ये प्रावधान इस कानून में है और ठगों को फांसी देने का प्रावधान भी 23 मार्च 2023 को हम करवा देंगे। ठगों को नहीं, केवल ठगों के साथ साथ उन बेईमान अधिकारियों को भी जो इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। सुनाइए इस तमाम देश के तमाम सक्षम अधिकारियों को ये वीडियो हमारा, और वो वीडियो दिखाइए जो आजकल बिजनौर से, मेरठ से, अमरोहा से, रामपुर से, सहारनपुर से और तमाम जनपदों से वायरल हो रहे हैं कि किस तरह हजारों नहीं लाखों लोगों की भीड़
डीएम ऑफिसेज में जा रही है, लाइन लग रही है पूरे पूरे दिन भर, डीएम्स को यही काम आजकल करना, तो उसे किसी राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है, सीधे सीबीआई उस केस की जांच करेगी। इतना पावरफुल एक्ट है दोस्तों, इसके विषय में आप लोगों को भी पता नहीं है, अधिकारियों को पता नहीं है। 30 दिनों के अंदर कुर्की करनी है, देखिए धारा 15 है इसकी, 180 दिन तो मैं बहुत बताता हूँ, वो किसी और काम के लिए बताता हूँ। इसको ठीक से पढ़िए, अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, ये पढ़िए।